हापुड़ पुलिस ने नेशनल हाईवे पर लूट करने वाले शातिर किस्म के 9 लूटरों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से पुलिस ने लूटा हुआ 10 टायर ट्रक, 755 कॉस्मेटिक का सामान और लूटा हुआ मोबाइल बरामद किया है। इसके साथ ही पुलिस ने लूटरों के पास से 3 तमंचे और भारी मात्रा में कारतूस भी बरामद किए। आपको बता दें कि थाना पिलखुआ कोतवाली पुलिस ने नेशनल हाईवे पर लूट करने वाले 9 लुटेरों को सामान के साथ गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि पकड़े गए लुटेरों ने एक सप्ताह पूर्व एक ट्रक को लूटा था, जिसमें करीब 20 लाख रुपए की कीमत का हिंदुस्तान लीवर का कॉस्मेटिक का सामान भरा मिला और लूट करने के बाद शातिर लुटेरे फरार हो गए थे। तभी से पुलिस इन लुटेरे की तलाश कर रही थी। वहीं पुलिस ने देर रात मुखबिर की सूचना पर एक लुटेरे को मुठभेड़ से गोली मारकर घायल कर दिया और बाकी आरोपियों को सही सलामत गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने लुटेरों की निशानदेही पर ट्रक को बरामद करते हुए करीब 16 लाख रुपए का सामान और मोबाइल फोन बरामद कर लिया। इसके साथ ही पुलिस ने लुटेरों के पास से 3 तमंचे और कारतूस भी बरामद किए हैं। फिलहाल पुलिस अभी भी फरार चल रहे 2 आरोपियों की तलाश कर रही है। पिलखुआ में लगभग कुछ दिनों पहले एक ट्रक की लूट हुई थी, जिसमें लगभग 20 लाख का माल गया था, जिसमें ट्रक के मालिक को ओवर पार करके 6 लोगों ने ओवर पार किया था और लूट की थी। इसमें सारा माल और सभी लोग रिकवर हुए हैं। इसमें जो एक जॉइंट ऑपरेशन किया गया था, इसमें एसओजी फर्स्ट, एसओजी सेकंड और लखनऊ के कुछ लोग पुलिस वाले इन्वॉल्व थे। इन लोगों ने बहुत ही इंटेंसिव ऑपरेशन करके 9 लोग गिरफ्तार किया है। हापुड़ से अनिल कश्यप की रिपोर्ट।